राम राम भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स इन फील्ड में। आज हम आए हैं खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव मंदिर के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो ये पार्किंग है, यहाँ पर आप पार्किंग लगा सकते हो अपनी गाड़ी की। और इसी के जस्ट साइड में ही ये कैंटीन है, और कैंटीन पर जो खाना है वो काफ़ी सस्ता मिल जाएगा आपको। अराउंड आपको यहाँ पर एक पराठे का रेट 20 रुपये मिलेगा, जो कि ठीक है। और आप तो थोड़ा आगे चलोगे तो आपको बाइक की पार्किंग भी मिल जाएगी। ये है बाइक की पार्किंग, आपको दोनों का रेट बता देता हूँ। जो बाइक की पार्किंग है उसका रेट है 50 रुपये और गाड़ी का 100 रुपये 24 घंटे के लिए। आप सामने दिख रहे हो मतंगेश्वर महादेव का जो द्वार है उसके ऊपर लिखा हुआ है मतंगेश्वर महादेव, और इसके अंदर ही मतंगेश्वर महादेव का मंदिर। तो पहले बात करते हैं कि यहाँ पर पहुँचा कैसे जाए। अगर आप बाय ट्रेन यहाँ आना चाहते हो तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है खजुराहो रेलवे स्टेशन और राजनगर रेलवे स्टेशन, जो कि 5 किलोमीटर मतंगेश्वर महादेव से दूर है। अगर आप बाय बस यहाँ आ रहे हो तो यहाँ का नियरेस्ट बस स्टैंड है राजा यशोवर्मन बस स्टैंड, जो कि टेंपल से 1 किलोमीटर दूर है। और आप यहाँ प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब बात करते हैं यहाँ की टिकट वगैरह। तो यहाँ की जो टिकट चार्ज है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मंदिर जाने के लिए कोई टिकट चार्ज नहीं लेते। अगर आपको मंदिर के जो साइड में जो अन्य मंदिर दिख रहे हैं वहाँ का टिकट प्राइस है, उसका हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम मतंगेश्वर महादेव के बारे में बात करते हैं। ये जो आप हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा प्रख्यात है, बताते हैं कि ये स्वयं प्रकट हुई थी। तो आप देख रहे हो ये जो रास्ता जा रहा है ये मतंगेश्वर महादेव मंदिर तक जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु लोग बैठकर उन महादेव की आराधना करते हैं। अपना अपना तरीका होता है हर किसी के आराधना करने का, भजन कीर्तन करने का। और हम आगे की ओर चल रहे हैं। ये जो आप झोपड़ी देख रहे हो असल में ये धुना वाले बाबा के नाम से प्रख्यात हैं। तो यहाँ पर ये इनके सेवक हैं धुना वाले बाबा के, और इनसे हम बातें करेंगे। यहाँ पर लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, यहाँ की भी एक अलग मान्यता है। तो हम बाबा से स्वयं बात करके यहाँ के बारे में आपको बताएं। तो आप ये जो देख रहे हैं धुना वाले बाबा की समाधि यहाँ पर है, इन्होंने काफ़ी सिद्धियाँ थी यहाँ पर। ये आकर लोगों के बारे में पहले से ही बता देते थे कि लोग क्या सोच के आए हैं और क्या मांगना चाहते हैं, इनकी ये मान्यता है। यहाँ से आप थोड़ा सा अंदर जाओगे तो धुना वाले बाबा के साइड में ही यहाँ पर ये झील है। यहाँ पर ये झील देखोगे आप तो आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा। यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और आप यहाँ पर अपना समय भी व्यतीत कर सकते हो। शाम के टाइम पर ये नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं शाम के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अभी हम जा रहे हैं धुना वाले बाबा से बात करने के लिए कि यहाँ की क्या मान्यता है। बाबा राम राम। राम राम। ये किन की समाधि बाबा? ये झाड़ू वाले बाबा। झाड़ू वाले बाबा, क्या मतलब इतिहास क्या है कुछ बताओगे बाबा जी? हाँ, हम पूछे मतलब कब ये आए थे और ये मतलब कैसे, कहानी क्या है इनकी, कुछ बताइए इनके बारे में। कहानी, जन्म हुआ, भगवान ने जन्म दिया, कर्म से जन्म मिला है, उनने अपनी सेवक का ले लिया है और उन काम दिया है झाड़ू का, मतंग धुना का, धुना जलाना। अच्छा। और जीवन को अर्पण किया। अच्छा। अब वे पार उतर गए, समाधि हो गई उनकी, स्वयं जे है, उनकी तस्वीर बैठ गई है, जन्म जन्म का नाम हो गया, जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक उनका नाम है। तो अभी आप जो देख रहे हो ये है धुना वाले बाबा के अंदर का दृश्य, ठीक है। और जो ये आप देख रहे हो ये मूर्ति बनाई गई है धुना वाले बाबा की, पीछे जो तस्वीर रखी हुई है वो धुना वाले बाबा की असली तस्वीर है। यहाँ पर ही वो बैठा करते थे और लोगों की जो दुख मुसीबत होती थी उनको धुना से ठीक करते थे। यही है वो धुना वाले बाबा, प्रणाम करिए इनको, जो कि मतंगेश्वर महादेव मंदिर के जस्ट बाहर ही बैठते हैं। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं मतंगेश्वर मंदिर की तरफ। खजुराहो मंदिर में विराजमान शिवलिंग के नीचे प्राचीन कथाओं के अनुसार मणि स्थित है। दर्शन करने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार भगवान शिव के पास
मरकत मणि थी, जिस मणि को भगवान शिव ने पांडवों में से सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को दिया था। उसके बाद युधिष्ठिर ने मरकत मणि मतंगेश ऋषि को समर्पित कर दिया था। इसके बाद मतंग ऋषि ने राजा हर्षवर्धन को दे दी थी ये मणि। मतंग ऋषि के नाम से इस मंदिर का नाम मतंगेश्वर महादेव पड़ा। मतंगेश ऋषि ने इस मणि भगवान शिव के 18 फीट शिवलिंग के नीचे मणि की सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित किया गया है, जिसकी वजह से भगवान शिव और मणि के प्रताप से भक्तों की मांगी। खजुराहो मतंगेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य और खास बात, लगभग 9 फीट ऊंचा शिवलिंग है। मतंगेश्वर मंदिर का रहस्य यह है कि मंदिर में मौजूदा भगवान शिव को समर्पित शिवलिंग हर साल ऊंचाई बढ़ जाती है। मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो के सब मंदिरों में से यह मंदिर सुंदर और पवित्र माना जाता है। मतंगेश्वर मंदिर के स्तंभ और दीवारों पर खजुराहो मंदिर की तरह कामुक प्रतिमाएं नहीं है। मतंगेश्वर मंदिर के शिवलिंग को मृत्युंजय महादेव के नाम से पहचाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग जितनी धरती के ऊपर दिखाई देती है अधिक उससे ज़्यादा कई अधिक वो धरती के नीचे तक समाई हुई है। तो कैसा लगा आप सबको मतंगेश्वर महादेव के दर्शन कर? हमको कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट।